Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का ये सत्र लेकर के जो हमारे ऑन गोइंग कोर्स फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का ये सातवां आज ये सत्र है और इस सत्र में आज हम चर्चा करेंगे मूलतः अवधान यानी यानि क्या है उसके प्रकार क्या हैं और उसका कार्य क्या है और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिससे हमको एक ज़रूरी समझ अवधान की और उसकी प्रक्रियाओं की हमको आज यहाँ पर मिलेगी तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं आज हम और अपना ये जो हमारा एक सेंसेशन परसेप्शन के क्रम में जो ये एक और महत्वपूर्ण जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है अवधान का अटेंशन का आज हम उस पर बातचीत करेंगे तो सर्वप्रथम हम ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर सीधे टाइप्स ऑफ अटेंशन की बात करने का एक कोशिश की है और इसका कारण ये है कि अवधान की जो परिभाषा है अगर हम उसको यूं कहें या उसको यूं समझने का प्रयास करें कि हम कोई भी जितने भी हमारे स्टूमुलस आ रहे हैं और जितने भी उद्दीपक हमें प्राप्त होते हैं वातावरण से और पिछले सत्र में पिछले कई सत्रों में आपने इसको समझने का प्रयास किया मेरे साथ कि जो वातावरण से हमें लगातार उद्दीपक मिलते हैं उनकी संख्या उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा है यानी जो इनपुट हमें मिलता है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि यदि हम उस सभी इनपुट की तरफ ध्यान दें यानी उसका अवधान करें तो ये हमारे लिए एक असंभव जैसा कार्य होगा क्योंकि इसके लिए जब हम आगे सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो आपको एक बेहतर समझ हो पाएगी तो कारण ये होता है कि वातावरण से आ रहे इतने सारे उद्दीपक जब एक साथ हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनमें से कुछ चयन करना पड़ता है हमें ये देखना होता है कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में ये कुछ प्रोसेसेस चलते हैं जो ये तय करते हैं कि हम किस उद्दीपक की तरफ ध्यान देंगे यानी किस उद्दीपक को हम अपने लिए तय करते हैं कि वो हमारे लिए ज़रूरी है और साथ ही साथ उसी समय पे हम तमाम दूसरे उद्दीपकों को यानी जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं उन सभी सूचनाओं को हम उसी समय पे निग्लेक्ट करने का यानी उसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से अवधान की परिभाषा अगर हम देना चाहेंगे तो यहाँ पर अवधान की परिभाषा हमारे लिए ये होगी कि जब भी हम वातावरण से आ रही सूचनाओं को या उद्दीपिक या उद्दीपकों को जब अपनी ज़रूरत के अनुसार या अपनी रेलेवेंसी यानी कि हमारी जो उसके लिए उस सूचना का जो हमारे लिए महत्व है उसके अनुसार जब हम उसका चयन करते हैं और साथ ही साथ हम बाकी सभी सूचनाओं को इग्नोर कर देते हैं या उन सभी सूचनाओं को हम अपने अवधान में या अपने प्रोसेसिंग में नहीं आने देते तो इस प्रक्रिया को हम अवधान कहते हैं या अटेंशन कहते हैं तो इससे हमें एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि अवधान हमें तमाम सूचनाओं से जो वातावरण से हमें मिल रही हैं या उद्दीपक जो हमारे तमाम जो हमारे इनपुट के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं सेंसरी ऑर्गन्स जो हमने पहले भी पढ़ा था जैसे हमारा आँख नाक और हमारे कान और हमारी त्वचा और इस प्रकार के जितने भी हमारे सेंसेस हैं उसके द्वारा हमारे जो भी हमारे पास सूचनाएँ आ रही हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को सेलेक्ट करना या उसका चयन करना और फिर उसके अनुसार अपना फर्दर जो हम प्रोसेसिंग करते हैं या जो उसके बेसिस पे हमने जैसे पहले पढ़ा अभी इसके पिछले सत्र में जो परसेप्शन की प्रक्रिया है जो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है उसको हम इसके बाद पूर्ण करते हैं तो आइए चलते हैं हम आगे अपने इस टॉपिक की ओर जिसको जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अवधान के प्रकार कितने हैं और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि दो तरफ चीज़ें दी हुई हैं एक तरफ हमने वॉलेंट्री uh, अटेंशन यानि ऐच्छिक अवधान लिखा है और दूसरी तरफ अनैच्छिक अवधान यानी इन वॉलेंट्री अटेंशन और ठीक उसके दूसरी दिशा में आप ये पाएंगे कि यहाँ पर भी तीन प्रकार के अटेंशन यानी अवधानों को बताया गया है जिसमें पहला है सेलेक्टिव अटेंशन दूसरा है डिवाइडेड अटेंशन और तीसरा है सस्टेंड अटेंशन तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉलेंट्री अटेंशन और इनवॉलेंट्री अटेंशन और साथ ही साथ सेलेक्टिव अटेंशन डिवाइडेड अटेंशन और सस्टेंड अटेंशन लिखा हुआ है तो इससे आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैं आपको आज एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपके लिए आगे बहुत लाभदायक होगी कई सारे जो स्कॉलर्स जब किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो सबके अपने भिन्न भिन्न मत होते हैं उसके अलावा जब बहुत सारे लेखक उन कार्यों को लिखते हैं या उसका आपके लिए एक प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वो भी उसको अपने अनुसार उसको जैसा वो समझते हैं उस प्रकार से वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो ये जो मैंने ये उदाहरण आपके लिए यहाँ रखा है वो ये बात समझने के लिए रखा है कि जब भी हमें इस प्रकार की कोई दुविधा मिले तो हमें ये वहाँ पर याद होना चाहिए कि अलग अलग रिसर्चर्स का यानी अलग अलग शोधार्थियों का अलग अलग लेखकों का ऑथर्स का राइटर्स का उनका अपना अपना मत होता है उनकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं उनका अपना अपना ओपिनियन होता है तो उसके अनुसार वो जो जिस ओपिनियन को वो फॉलो करते हैं उसी के अनुसार वो अपनी लेखनी या अपनी रिसर्च को वो फॉलो करते हैं तो इसलिए हमें ये अंतर कभी कभी देखने को मिलता है तो या यहाँ आप ये पाएंगे कि कुछ किताबों में आपको इस प्रकार से ये टाइप्स दिया होगा प्रकार के इस तरह के विवरण मिलेंगे और दूसरी तरफ आप कभी देखेंगे तो कुछ किताबों में आपको दूसरी तरह के विवरण भी मिल सकते हैं तो यहां पर हम दोनों ही तरह के जो प्रकार हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे जो पहला अगर हम ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान की पहले बात करते हैं तो ऐच्छिक अवधान में यहां पर हम अपना ध्यान स्वयं अपनी इच्छा से किसी वस्तु की तरफ या किसी घटना की तरफ या किसी उद्दीपक की तरफ ले जाते हैं और ऐसे में हमारा उस स्थिति पर या उस पूरे प्रकरण पे या प्रक्रिया पे हमारा एक कंट्रोल होता है यानी कि हम पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में रहते हैं और हम जैसी इच्छा करते हैं जिस उद्दीपक को चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं यदि हम इसको उदाहरण के लिए उदाहरण के साथ समझना चाहें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आप ये मानिए कि कोई एक बच्चा है और उसको अभी उसको चॉकलेट खाने का बहुत मन है तो वो बच्चा जाहिर सी बात है कि जब वो मार्केट में अगर कहीं जा रहा हो या किसी मान लीजिए जगह से गुजर रहा है तो उस वक्त उसके ध्यान में चूंकि उसकी इच्छा में चॉकलेट खाने की उसकी प्रवृत्ति है उस समय तो वो चाहेगा कि आसपास जो भी ऐसी कोई दुकान हो जिसमें चॉकलेट बिकता हो या बिकने की संभावना हो वो उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेगा तो ऐसे में वो बच्चा अपना जो ध्यान है वो अपनी इच्छा से उन दुकानों की तरफ ले जाएगा जहां उसको ये संभावना मिलती है या दिखाई देती है कि उसे एक चॉकलेट वहां से मिल सकता है तो इस प्रकार से वो बच्चा अपना ध्यान वहां पर केंद्रित कर रहा है इसलिए ये हम इसको ऐच्छिक अवधान यानी वॉलेंट्री अटेंशन की संज्ञा देते हैं इस प्रकार से हम इसको आ, इसको समझने का प्रयास करते हैं दूसरा इसी क्रम में जब हम देखें तो अनैच्छिक अवधान की जब हम बात करते हैं तो अनैच्छिक अवधान जो है वहाँ पर आप ये देखेंगे और कभी कभी ये आप इसको अनुभव भी कर सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए किसी एक वक्त में या आप खाली बैठे हों या आप मान लीजिए पुस्तक ही पढ़ रहे हैं तो उस दौरान ऐसा हो सकता है कि बाहर कोई बहुत तेज़ आवाज़ हो या एक कह लीजिए कि बाहर कोई एक बहुत तेज़ आवाज़ यानी पटाखा ही मान लीजिए चला हो तो बाहर उस आवाज़ चूँकि आपकी कोई इच्छा नहीं थी उसको उसकी तरफ अपना ध्यान ले जाने की परंतु वो इतनी तीव्र थी वो आवाज़ और इतनी ज़्यादा तेजी से इंटेंसिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई तो आपने आपका ध्यान स्वतः ही उस तरफ चला गया तो इस प्रकार का जब अवधान होता है तो हम इस प्रकार के अवधान को अनैच्छिक अवधान यानी कि इनवॉलेंट्री अटेंशन की, की संज्ञा देते हैं तो ये जो दो प्रकार के अवधान को समझने के ये जो तरीके हैं जिसमें हमने उसको ऐच्छिक और अनैच्छिक के रूप में बांटा है तो ये एक प्रकार हो गया अवधान को समझने का दूसरी तरफ अब हम जब बात करते हैं तो अवधान के तीन और प्रकार यानी कि सेलेक्टिव अटेंशन जिसमें कि हम ये उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जब हम बहुत सारे उद्दीपकों में से कई सारे उद्दीपकों के बीच में से जब हम केवल उन उद्दीपक को ध्यान देते हैं या यहाँ पर हम ध्यान शब्द का इस्तेमाल ना करें क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ध्यान को यानी अवधान को समझें तो हम जब उसको सेलेक्ट करते हैं यानी उसका चयन करते हैं तो चयन करते वक्त जब हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सा उद्दीपक हमारे लिए ज़रूरी है और साथ ही साथ जो गैर जरूरी उद्दीपक हैं या सूचना है हम उसको अपने आ, अटेंशन से यानी अपने जो प्रोसेसिंग का जो फर्दर प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है उससे हम उसको बाहर रखते हैं तो इस तरह का जो हम चयनात्मक जो अवधान है हमारा यानी सेलेक्टिव अटेंशन वो इसको कहते हैं और इसके उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हैं कि जब कहीं आप आ, कहीं पर आप किसी से सपोज़ या आप क्लास में ही हैं तो उसी वक्त आप बैठे हैं क्लासरूम में और आप समझ लीजिए कि आपके टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त हो सकता है आपके बगल में कुछ दोस्त बातचीत कर रहे हों आपस में हो सकता है कोई आपके क्लासरूम के बगल से ही कोई उसी वक्त कोई बच्चा गुजर रहा हो दरवाजे के बाहर से लेकिन ऐसे में इन सभी तमाम उद्दीपकों को इग्नोर करते हुए यानी कि उनको आप ध्यान न देते हुए उनको एक तरह से साइड में करते हुए आप केवल अपने टीचर की बात सुनते हैं या उनके लेक्चर की तरफ ध्यान देते हैं तो इस प्रकार का जो अवधान है उसे सलेक्टिव अटेंशन हम कहते हैं या उसकी संज्ञा देते हैं इसके बाद जो दूसरे तरह का एक और प्रकार है वो है डिवाइडेड अटेंशन का और यहाँ पर डिवाइडेड अटेंशन इसलिए भी आपके लिए एक रोचक कुछ तथ्य हैं यहाँ पर जो मैं आपको इससे जुड़े हुए बताऊँगा और साथ ही साथ हम उसको उसमें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं और उसको किस तरह से हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे तो जब डिवाइडेड अटेंशन की हम बात करते हैं तो डिवाइडेड अटेंशन में हम एक ही समय में दो या दो से अधिक कार्यों पर या वस्तुओं पर या स्थितियों पर हम ध्यान देते हैं तो इस प्रकार की जो हमारी जो क्षमता है जहाँ पर हम अपना ध्यान दो या दो से अधिक वस्तुओं पे या घटनाओं पे या कार्यों पे एक ही समय पे करते हैं जब तो इस प्रकार के अवधान को हम डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं तो इस प्रकार के अटेंशन में आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार का अटेंशन इस या इसमें हम इन्वॉल्व होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है यानी कहने का अर्थ ये है कि ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि एक ही समय में दो या दो से अधिक कार्यों की तरफ या वस्तुओं की तरफ ध्यान देना एक मुश्किल कार्य है और इसकी हम अभी आगे जब और कुछ उदाहरण देंगे तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे जैसे अभी जो हम एक उदाहरण हमने लिया उसी में अगर आप इस बातचीत को दोबारा से समझने का प्रयास करें कि हो सकता है कि जब आपके टीचर पढ़ा रहे हों हालांकि आपको ये कभी आ, किसी भी विद्यार्थी को ये करना आ, करने का सुझाव हम नहीं देंगे परंतु फिर भी मान लीजिए आपके टीचर पढ़ा रहे हैं और चूँकि आजकल मोबाइल चलाना और इस तरह की जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत ही आम सी बात हो गई है तो समझ लीजिए आप अपने कोचिंग क्लासेस में गए हैं और आपके टीचर सामने पढ़ा रहे हैं और वो जो पढ़ा रहे हैं आप उसको साथ ही साथ लिख भी रहे हैं और उसी के साथ बीच में आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है तो आप उसी वक्त मोबाइल भी खोल लेते हैं और उस पर अपना मैसेज भी आप चेक करने लगते हैं तो ऐसे में आप ये देख रहे हैं कि आप एक ही समय में मोबाइल पर भी ध्यान लगा रहे हैं और साथ ही साथ आप जो लिख रहे थे अभी तक जो आप टीचर की जो बात सुन के लेक्चर सुन के जो आप लिख रहे थे वहाँ पर भी आप अपना वो कार्य जारी रखते हैं हालांकि यहाँ पर फिर से एक जो यहाँ पर डिवाइडेड अटेंशन से जुड़ी हुई एक और मुख्य बात है जो मैं यहाँ पर आपके सामने आ, रखना चाहता हूँ और वो ये है कि इस तरह के कार्य में अक्सर हम पाएंगे कि जब हम ऐसे कोई दो कार्य कर रहे हों दो या दो से अधिक कार्य कर रहे हों जिनमें समान रूप से उनकी कठिनाई का जो स्तर हो वो ज़्यादा हो या वो कार्य बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिमांडिंग हो तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए वो दो कार्य या उन दो से अधिक कार्यों में एक साथ सम्मिलित होना या उसको कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पर डिवाइडेड अटेंशन से जुड़ी हुई एक और मैं आपको उदाहरण दूंगा जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम कई बार इसका या तो खुद कभी कभी हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसा कि मैं फिर कहूँगा कि हमें नहीं होना चाहिए जो कि हमें आगे की चर्चा से पता भी चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो चलिए एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से यानी डेली रूटीन से हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ लेते हैं और वो है ड्राइविंग का एग्ज़ाम्पल जब हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं या वाहन चलाते हैं सपोज़ साइकिल ही चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं इस प्रकार का कोई भी जब हम व्हीकल चलाते हैं कोई भी हम गाड़ी चलाते हैं तो उस दौरान पे हमारा पूरा ध्यान हमारी ड्राइविंग पे होता है या होना चाहिए और हम आगे की तरफ रोड पर आने जाने वाले सभी वाहनों को देखते हैं हमारे लिए क्या अवरोध हैं और किस प्रकार से हम अपनी ड्राइविंग से अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं इन सभी बातों पे हमारा ध्यान रहता है यानी हमारा पूरा फोकस हमारी पूरी जो अटेंशन है वो इस समय पूरी तरह से फोकस्ड है या पूरी तरह से केंद्रित है केवल हमारे ड्राइविंग पे लेकिन सपोज़ उसी समय पे व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है तो अमूमन आपने ये देखा होगा और ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोग उसी वक्त ड्राइविंग रोकते नहीं हैं यानी कि जो सजेस्टेड है जो बताया भी जाता है कि उन्हें अपनी ड्राइविंग को रोक करके उसके बाद ही मोबाइल फ़ोन या इस तरह के किसी भी उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए परंतु व्यक्ति ज़्यादातर कई बार इस गलती को कर बैठते हैं कि वो वहीं पर अपना मोबाइल भी वहीं रिसीव करते हैं और उस पर बातचीत शुरू कर देते हैं अब ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्वतः आपके जो अटेंशन की आप वहाँ पर जो अभी तक पूरी तरह से ड्राइविंग पर केंद्रित था अब वो बट गया यानी कि अब आप एक समय में दो कार्य कर रहे हैं आप सड़क पर गाड़ी भी चला रहे हैं और साथ ही साथ आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा ये कई बार हमें बड़ा सहज लगता है और इसका कारण ये है इसके सहज लगने का या यूं कहें कि हमको ये इसलिए आसान लगता है क्योंकि इसमें से जो एक प्रोसेस है यानी हमारी जो ड्राइविंग है वो ड्राइविंग बहुत हद तक हमारी ऑटोमेटेड हो जाती है यानी वो स्वचालित उसको हम कहें कि उसको हम ऐसा फील करते हैं या ऐसा हमारे अंदर एक एहसास आ जाता है इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसमें हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आ रही है तो इस प्रकार की जब भावना या धारणा हमारे अंदर आ जाती है या एक कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है और इसका हमें कोई बहुत कॉन्शियस अवेयरनेस भी नहीं होता यानी इसके बारे में हम कोई बहुत ऐसा नहीं कि हम बहुत सोचते हैं इस बारे में कि मेरी ड्राइविंग अब ऑटोमेटिक हो गई है ये हमारे लिए हमारे अंदर एक स्वतः आने वाला भाव है और इस कारण से उस वक्त हम अपने एक दूसरे हाथ से हम एक हाथ से ड्राइविंग करते हैं और दूसरे हाथ से हम फोन भी अपने कान पर लगा लेते हैं या इस प्रकार का हम कार्य करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि शोध में ये पाया गया है तमाम जितने भी शोध हुए हैं उनके द्वारा ये दर्शाया गया है कि इस प्रकार के जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्सीडेंट्स का सबसे प्रमुख कारण मानी जाती हैं यानी कि इससे जुड़ा हुआ एक शोध मैं आपको बताता हूँ जिसमें ये शोध किया गया कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स उसमें शोध में उनको इस्तेमाल किया गया यानी उनका उसमें उनको प्रतिभागी बनाया गया और उन सभी ट्रक ड्राइवर्स को नेचुरली वो जैसे ट्रक चलाते थे अपना रोजमर्रा उनको ट्रक चलाने को कहा गया केवल उनके जहां वो उनका ट्रक का जो कैबिन था जहां वो बैठते हैं उसके सामने एक कैमरा लगाया गया जो उनकी दृष्टि से दूर था और दो और कैमरे इस प्रकार से लगाए गए कि उनका हमेशा ये ध्यान दिया जा सके कि क्या ड्राइवर जो गाड़ी चलाते वक्त यानी ट्रक को चलाते वक्त उसका ध्यान सड़क की ओर ही है या वो कुछ और कर रहा है तो इसमें एक बड़े रोचक जानकारी जो सामने आई इस एक्सपेरिमेंट के बाद या यूँ कह लें कि इस प्रयोग के बाद तो वो ये थी कि जब भी ड्राइवर्स ने उनके जो 80 परसेंट से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए यानी इसमें कोशिश ये की गई कि ये जो स्टडी थी ये शोध था ये बड़े लंबे समय तक चला और इसमें उन तमाम सौ ट्रक ड्राइवर्स ने बहुत सारे आ, उसमें किलोमीटर्स को हम कह लें कि उन्होंने तय किया यानी हज़ारों लाखों किलोमीटर उन्होंने तय किया इस पूरी अवधि में और ये बड़ी लंबी अवधि तक ये चली कोई एक दिन में या दो दिन में होने वाला ये ख़त्म होने वाला शोध नहीं था तो ऐसे में उन्होंने इस पूरे दौरान में उनके ये देखा गया कि कितनी बार उन्होंने किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक लाइट ब्रेक किया या कोई आ, रूल का वॉयलेशन किया या किसी प्रकार से किसी तरह का एक्सीडेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट था या होने की संभावना थी तो इस तरह के जब डेटा को एनालाइज किया गया तो उसमें यह पाया गया कि जब जब भी उन्होंने अपना ध्यान सड़क से हटा करके अपनी ड्राइविंग से हटा करके किसी भी दूसरी कार्य में और सपोज़ कि थोड़ी देर के लिए वो नीचे ही देख, देखने लगे या थोड़ी देर के लिए वो बगल में देखने लगे या इसके अलावा जो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान उसका भटकाने वाला जो एक मिला जो कारण वो था अ, अगेन जो मैंने जो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो था मोबाइल फोन का उपयोग या इस तरह के जितने भी उपकरण हैं उनका उपयोग तो ऐसे में ये पाया गया कि उनकी ज़्यादातर जो ध्यान भटकाने में जो इस तरह की जो उनका ध्यान भंग होने की जो ये क्रिया थी उसमें मोबाइल फ़ोन का एक बहुत बड़ा हाथ था और जिसके कारण जब उनका ऐसी कोई परिस्थिति हुई जहां पर उन्होंने ट्रैफ़िक रूल वायलेट किया या उन्होंने वहां पर एक्सीडेंट की गुंजाइश बनी या कई बार एक्सीडेंट हो भी गया हालांकि बड़े कुछ ज़्यादातर एक्सीडेंट्स छोटे ही लेवल के हुए इसलिए ये कोई बहुत चिंता की बात तो नहीं है परंतु उसमें एक दो एक्सीडेंट्स थोड़े बड़े भी हो गए तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जब हम ये मानते हैं कि हमारी जो ड्राइविंग है वो ऑटोमेटिक है और हम उसी वक्त कोई दूसरा कार्य भी आसानी से कर सकते हैं तो वहीं हमसे चूक हो जाती है क्योंकि एक समय में दो या दो से अधिक कार्यों में ध्यान रख लगाना यानी अपने अटेंशन को डिवाइड करना और उसके बाद भी उस कार्यों को उसी हम कह लें कि एफिशिएंसी के साथ कर पाना पूरा कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमारी जो अटेंशनल रिसोर्सेज़ हैं वो लिमिटेड हैं और जब हम उसको ए, दो या दो से अधिक जगहों पर केंद्रित करते हैं या फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक जगह से उठा करके हम दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो पहले वाले में थोड़ी सी गिरावट आएगी तो ये कुछ शोध हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें इन शोधों के अनुसार हमेशा अपने इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये ना मानते हुए और इसके साथ ही एक और जुड़ा हुआ शोध है जो मैं आपको यहाँ चर्चा करूँगा और उसमें ये है कि कई बार विद्यार्थियों को या लोगों को ये लगता है और एक बार एक विद्यार्थी ने इस तरह का एक प्रश्न किया कि चूंकि हम तो नई जनरेशन में हमने आ, कदम रखा है और हम लोगों के आने के साथ उस उस अवधि से पहले ही मोबाइल का आविष्कार हो चुका था और हमने मोबाइल के साथ ही साथ ड्राइविंग भी सीखी है तो हमारे लिए ये कैसे डिस्ट्रैक्शन का कार्य करेगा क्योंकि हम तो दोनों के आदती हैं तो हमें तो हमारे लिए तो ये नेचुरल है कि हम ड्राइविंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मोबाइल भी चला सकते हैं हालांकि इस प्रकार के जो तर्क हैं वो अपने आप में ही इस चीज़ को दर्शाते हैं कि ये अपने आप में क्योंकि अवधान की जो प्रक्रिया है जब हम दो या दो से अधिक जगहों पर एक साथ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज एक जगह पर जब उसकी उसकी बजाय दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो उसमें एक कमी ज़रूर आती है तो इस प्रकार से डिवाइडेड अटेंशन जो एक कॉन्सेप्ट है हालांकि डिवाइडेड अटेंशन इन तीनों प्रकार के अटेंशन में सबसे हायर ऑर्डर का है यानी सबसे ज़्यादा इसमें हमारे रिसोर्सेज या ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है इसके बाद जो तीसरे तरह का एक अटेंशन का जो प्रकार है वो है सस्टेंड अटेंशन और सस्टेंड अटेंशन में हम अपने ध्यान को एक ही जगह पर बहुत लंबी अवधि के लिए बना कर रखते हैं यानी कि हम जब कोई भी एक कार्य कर रहे हों उसको लगातार हम करते जाते हैं बिना अपना ध्यान वहाँ से हटाए अगर इसका उदाहरण हम समझें तो आप लोग कई बार एयरपोर्ट्स पे या रेलवे स्टेशन पे गुजरे होंगे वहाँ से तो वहाँ आपने देखा होगा कि एक सामान चेक करने वाली मशीन रहती है और ऐसी स्थिति में जो सामान चेक करने वाली मशीन है उसकी स्कैनिंग होती है उसके अंदर सामान की और उसके साथ एक जुड़ा हुआ कंप्यूटर बगल में कभी आप ध्यान दीजिए या आपने हो सकता है ध्यान दिया भी हो वहाँ पर एक बगल में कंप्यूटर रखा रहता है और उस कंप्यूटर पर कोई महिला या पुरुष जो कि अक्सर सिक्योरिटी पर्सन होते हैं वो बैठे रहते हैं और वो लगातार उस स्क्रीन की तरफ देखते रहते हैं कि कोई भी सामान जो वहाँ से गुजर रहा है उसमें किस प्रकार की वस्तुएं हैं कोई अनैच्छिक वस्तु तो उसमें नहीं है तो इस प्रकार से वो लगातार उस स्क्रीन पे अपना ध्यान बनाए रखते हैं तो इस प्रकार के जो अटेंशन को हम आ, सस्टेंड अटेंशन की संज्ञा देते हैं इसके बाद हम अगली चर्चा जो करेंगे वो है अवधान के कार्य या अवधान का महत्व तो अवधान किसी हम कहें तो किसी भी स्थान या स्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाता है यानी कि जब हम अवधान की बात करते हैं तो किसी भी स्थान के प्रति जब हमारा जो एक रिएक्शन टाइम है या जो एक रिस्पांस करने की जो हमारी टेंडेंसी है ये उसको प्रमोट करता है यानी कि अगर हम एक विशेष स्थान पे या पर्टिकुलर स्थिति पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जो हमारा रिस्पांस है वो फास्ट हो जाएगा तो इसको कई शोधों के द्वारा भी इसको स्थापित किया गया है तो इससे हमें ये कंफर्म होता है कि हम जब अपना ध्यान किसी स्थान या स्थिति की तरफ केंद्रित करते हैं तो उसके प्रति हमारी जो परफॉर्मेंस है या जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो हमारा इम्प्रूव होता है अवधान किसी वस्तु के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाता है यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम पहले किसी स्थान लोकेशन की तरफ हमारा ध्यान था अगर हम किसी वस्तु की तरफ ध्यान दे रहे हैं या किसी उद्दीपक की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो उसके प्रति भी हमारी जो प्रतिक्रिया है ये उसको फास्ट बनाता है या उसको ज़्यादा बेहतर यानी ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है हम उसके बारे में एक ज़्यादा बेहतर समझ या उसके बारे में एक ज़्यादा फाइन डिटेल हमको मिल पाती है तो इस तरह से हम उसके प्रति रिएक्ट करने को तैयार रहते हैं या ज़्यादा तेजी से हम रिएक्ट कर पाते हैं और इसी से हम अपने तीसरे टॉपिक यानी तीसरे कार्य की तरफ भी आते हैं जो है अवधान में जो ये क्षमता है कि वो हमारे प्रत्यक्षीकरण को सीधे तौर पर प्रभावित करता है क्योंकि जैसा हमने पिछले सत्र में अपने चर्चा की थी कि जो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है उसके लिए जितने भी उद्दीपक हमारे पास आ रहे हैं जो भी हमें इन्फॉर्मेशन जो भी सूचना हमें मिल रही है अपने सेंस ऑर्गन्स से उन सभी सूचनाओं को हम आगे चल के इंटरप्रेट करते हैं या उसका एक मीनिंग हम निकालते हैं और उसका फिर हम एक अर्थ अपने लिए निकाल करके उसके अनुसार हम अपना एक्शन या जो भी हमारा रिस्पॉन्स है या जो भी हमें बिहेव करना है जिस तरीके से वो हम करते हैं लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जितने भी स्टूबुलस आ रहे हैं उनमें से हम किन पर्टिकुलर स्टुमुलस को क्योंकि जैसा हमने पहले भी चर्चा की अभी जब हम अवधान की अवधारणा की बात कर रहे थे तो उसमें भी हमने ये प्रयास किया समझने का कि लगातार हमारे पास अनेकों अनेक उद्दीपक यानी अनेकों नेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास रजिस्टर हो रही है हमारे सेंसेस के द्वारा हमें मिल रही है तो ऐसे में अटेंशन की प्रक्रिया ये तय करती है कि किन उद्दीपकों को कितनी तरफ हम ध्यान देंगे और जिन उद्दीपकों की तरफ हम ध्यान देते हैं वही उद्दीपक आगे चल के उनका हम ये कहें कि हमारा मस्तिष्क उन्हीं का प्रत्यक्षीकरण करता है यानी हमारी प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हमारे अवधान पर निर्भर करती है और इसके बाद जो चौथा हमारा एक अवधान का एक और कार्य है या वो उसका जो प्रभाव है वो है अवधान हमारे फिजियोलॉजी को यानी शरीर क्रिया पर भी उसका असर पड़ता है जो हम हमारा मस्तिष्क है उसके अंदर बहुत सारी ब्रेन इमेजिंग स्टडीज से ये पाया गया है कि हमारे अंदर जो न्यूरोलॉजिकल जो यहाँ पर मैकेनिज़्म है उसमें अटेंशनल जो एक्टिविटी है उसके दौरान हम जिस भी प्रकार का स्टूमुलस हम देख रहे होते हैं या हमारे जिस जो जिस पर हम फोकस कर रहे होते हैं हमारे ब्रेन में भी उसी से संबंधित जो हमारा इलाका है या रीजन है जो ब्रेन का या जो सेंटर हम कह लें या पार्ट उसको कह लें वही एक्टिवेट होता है उस वक्त यानी कि बहुत सारी स्टडीज में बहुत सारे शोधों में यह पाया गया कि जब हम पर्टिकुलरली एक स्टमुलस की तरफ देख रहे होते हैं तो उस ने उस उस स्टूमुलस का जो नेचर होता है उसी से मिला जुला हमारा ब्रेन का वो भाग या वो सेंटर जो उस स्टमुलस को रजिस्टर करता है वही वहां पर एक्टिवेट होता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि अटेंशन हमारे ब्रेन को भी उसके जो एक्टिवेशन का जो जो तरीका है या जो उसकी प्रक्रिया है उसको भी वो प्रभावित करता है अब हम अपनी अगली चर्चा पर आएंगे और वो है अवधान के सिद्धांत और यहाँ पर जब हम अवधान के सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं स्क्रीन पर फिल्टर थ्योरी यानी कि जो ब्रॉडबैंड ने इसको प्रतिपादित किया था 1958 में और उसके बाद एटेनुवेशन थ्योरी जिसको ट्रीजमैन ने दिया 1960 में और एक और इसके बाद सिद्धांत है जो कि लेट सेलेक्शन थ्योरी या इसको लेट सेलेक्शन मॉडल भी कहते हैं जो ड्यूस एंड ड्यूस ने 1963 में प्रतिपादित किया और इसके बाद चौथा एक और मॉडल है जिसकी हम चर्चा आज यहाँ करेंगे और वो है कैपेसिटी मॉडल जो डैनियल कानमैन ने नाइनटीन में प्रतिपादित किया था तो ये चारों सिद्धांत हैं जिनको हम आज यहाँ समझने का प्रयास करेंगे तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फिल्टर थियरी की जो ब्रॉडबैंड ने जिसको प्रतिपादित किया और उसके पहले हम थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो फिल्टर थियोरी ब्रॉडबैंड ने दी उसमें उन्होंने जो बताया वो उस तरह का उनको निष्कर्ष निकालने से पहले क्या शोध हो रहे थे या क्या प्रश्न थे अवधान को लेकर के उन पर भी हम एक प्रकाश डालेंगे ताकि हमें इसकी एक समझ मिल सके तो सर्वप्रथम जब हम एक शब्द है जिसको हम कहते हैं कॉकटेल फिनोमिनन या कॉकटेल पार्टी फिनोमिनन तो इस तरह का जो हमें एक फिनोमिना है ये उस वक्त इस पर शोध जारी थे जिसमें ये जानने का प्रयास किया जा रहा था या समझने का प्रयास किया जा रहा था कि किस प्रकार से एक ऐसी अवस्था इसको आप यूँ समझ लें अगर एक सामान्य समझ के लिए तो जब हम किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान में होते हैं या थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको आ, क्योंकि आप यंग हैं और आप जानते हैं कि आजकल हम लोग बहुत सारी बर्थडे पार्टीज़ में या शादी पार्टियों में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद उस भीड़ वाले वातावरण में कई बार हमें वहाँ पर बहुत शोर होता है हर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा होता है सब एक दूसरे से वहाँ पर बातचीत में व्यस्त होते हैं और ऐसे में शोर का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन उसी दौरान यदि आपको कोई आपका दोस्त मिल जाता है तो आप फिर अपने दोस्त से या अपने किसी परिचित या संबंधी से आप बात करने लगते हैं और ऐसे में जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप कभी ध्यान दीजिएगा अगली बार कि आपको अगल बगल का जो शोर हो रहा था जो डिस्टरबेंस हो रही थी अब आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं या क्यों कह लें कि अब वो आपको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा है तो ये किस कारण से हो पाता है इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई कि ये कैसे हो पा रहा है तो इस पर ब्रॉडबैंड ने उस समय में एक शोध किया और वो शोध ये था कि उन्होंने इसको इस प्रकार से आ, कोशिश की बताने की और इसके उनके शोध में इसके पहले मैं आपको एक और शोध का जो तरीका है इसमें मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर अवगत कराऊँगा एक जो तरीका शोध का है इसमें उसमें हम ये करते हैं कि वहाँ पर हम डाइकोटिक लिसनिंग की बात करते हैं डायकोटिक लिसनिंग टास्क की जब हम बात करते हैं तो डायकोटिक लिसनिंग टास्क को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति को कहा जाता है कि आप अपने राइट ईयर को आप उसके दोनों कान में यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों ईयर में उसको मैसेजेस दिए जाते हैं और उसको ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको ये निर्देश दिए जाते हैं कि आपको जो सूचना राइट में आ रही है आपको उसे अटेंड करना है और जो सूचना आपके लेफ्ट ईयर में आ रही है उसको आपको अन अटेंडेड छोड़ना है यानी कि उसे आपको इग्नोर करना है तो ऐसे में जो ये राइट right ईयर है इसको कहा जाता है शेडोड ये राइट right ईयर को संज्ञा दी गई है शेडोड की यानी कि ये शेडो है ईयर जिस पर आपको ध्यान देना है और जो लेफ्ट ईयर है इस शोध में और ये अलग 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 शोध में इसको बदल बदला भी जा सकता है कभी लेफ़्ट ईयर को आप आ, कह सकते हैं कि हम इसमें आने वाली सूचना पे आपको ध्यान देना है और कभी आप कह सकते हैं कि राइट वाली सूचना को आपको ध्यान देना है तो यह अलग अलग शोधों में इसको अलग अलग तरीके से रखा जाता है तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि कौन से कान में आपको सुनना है और कौन से में नहीं उसको समय के अनुसार ज़रूरत के अनुसार हर प्रतिभागी के अनुसार उसको बदला जाता है ताकि आप राइट और लेफ्ट दोनों का प्रभाव देख सकें तो इसके साथ ही साथ इसको इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं शेडोइंग अब इस शेडोइंग के टास्क में एक टास्क जो किया गया उसमें यह देखा गया कि आ, उसको शुरुआती स्तर पे जब किया गया तो उसमें यह पाया गया कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिनको बार बार रिपीट किया गया यानी कि जब एक किसी प्रतिभागी से कहा गया कि आपके राइट ईयर में जो भी सूचना आ रही है आप उस सूचना को ध्यान दीजिए तो ऐसे में उनको जो भी सूचनाएं बताई जा रही थी उनके शेडो ईयर में वो उसको पूरी तरह से बता रहे थे और जो सूचना दूसरे कान में जिसको उनको मना किया गया था कि उसका उस पर आपको ध्यान नहीं देना है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसमें रिपीट होने वाले मैसेजेस को वो नहीं बता रहे थे और इसमें एक और कार्य किया गया इस शोध में और वो ये था कि जो अनअटेंडेड ईयर था यानी जिस पर उनको ध्यान नहीं देना था उसमें एक ही शब्द को तीस बार रिपीट किया गया और ये देखने के लिए कि क्या व्यक्ति ऐसे किसी जब उसको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको इस कान में आने वाले मैसेजेस को नहीं ध्यान देना है लेकिन वहां पर वो मैसेज तीस बार रिपीट किया गया थर्टी टाइम्स ऐसे में क्या वो व्यक्ति उसको बता पाता है तो ये देखा गया कि लोगों ने जो उनके पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने उस मैसेज को नहीं सुना यानी वो जो तीस वर्ड्स उनके इस कान के माध्यम से उनको रजिस्टर हो रहे थे उनके सेंसेशन में जा रहे थे उन्हें सुनाई पड़ रहे थे वो उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इससे इससे जो प्रक्रिया हमें समझ आती है कि यानी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक चुनाव उसने किया कि मुझे इस कान से जो सूचना मिल रही है उसकी तरफ ध्यान देना है और इस कान से जो सूचना मिल रही है उसको मुझे ध्यान नहीं देना है तो इसको ब्रॉडबैंड ने किस तरह से समझाया ब्रॉडबैंड ने इसके लिए फिल्टर थियोरी का प्रतिपादन किया उन्होंने इसके लिए फिल्टर थियरी को जिम्मेदार बताया और फिल्टर थियरी किस कुछ इस प्रकार से है आप ये देख सकते हैं कि सर्वप्रथम यहाँ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और उसके बाद वो मैसेजेस हमारे सेंसरी रजिस्टर में वो प्राप्त होते हैं और उसके बाद ये सेंसरी रजिस्टर उस सूचना को आगे भेज देते हैं एक प्रकार के फिल्टर से वो गुजरते हैं और इसके बाद ये सूचना जो आप अब यहाँ आप देख पाएंगे कि सर्वप्रथम यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं इन मैसेजेस को हम इनपुट की संज्ञा भी दे सकते हैं यानी ये वातावरण से आने वाली सूचनाएं हैं जो किसी भी स्वरूप में हो सकती हैं साउंड के रूप में इमेज के रूप में ये किसी भी प्रकार के ये उद्दीपक हो सकते हैं ये मैसेजेस हो सकते हैं अब ये मैसेजेस हमारे सेंसरी रजिस्टर यानी हमारी सेंसरी मेमोरी में ये प्राप्त हो रहे हैं और वहाँ से इसको रिसीव करने के बाद यहाँ पर इनको रिसीव करने के बाद ये आगे बढ़ा दिए गए यानी कि ये हमारे ब्रेन में एक ऐसा फिल्टर मौजूद है जो कि इस सूचना को जो सूचनाएं आ रही हैं आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सूचनाओं की संख्या ज़्यादा है ये देखिए और इस सूचना की संख्या जब फिल्टर से गुजर कर आगे गई तो यहाँ पर केवल कुछ सेलेक्टेड सूचना ही आगे जा रही है उस फिल्टर से और उसके बाद वो सूचना फर्दर हमारे पास डिटेक्ट हो रही है और उसके बाद जो सूचना हमें डिटेक्ट हुई वो सूचना फिर आगे जा कर के हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास रिसीव होती है और वहाँ से फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड ने जो एक सिस्टम बताया वो ये था कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसेसिंग का जो तरीका है जो एक फ्लो चार्ट है वो इस प्रकार से चल रहा है कि सब सर्वप्रथम हमारे पास मैसेज आते हैं उन मैसेजेस को हम रिसीव करते हैं अपने सेंसरी रजिस्टर में और उसके बाद उन सूचनाओं को हम अपने एक फ़िल्टर नुमा हमारा हमारे पास एक प्रक्रिया है जिसको कि हम उसके तहत वो मैसेजेस जब गुजरते हैं तो वहाँ से जो केवल ज़रूरी मैसेज है या जिसे हम अटेंड करना चाहते हैं केवल वही वहाँ से गुजरता है और उसके बाद वो एक डिटेक्टर के पास पहुँचता है एक डिटेक्टर नुमा प्रक्रिया है जो उस मैसेज को डिटेक्ट करके हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास भेजती है और फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करता है उस सूचना की अब इस आ, इनके थियोरी के अनुसार जब हम कॉकटेल पार्टी फिन को अगर फिर से याद करें तो वहाँ पर ये बिल्कुल ठीक बैठता है और वो इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है कि क्या जब हम किसी ऐसी जगह पर हैं भीड़ भाड़ में हैं तो उस वक्त हम बाकी सभी जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं हम उनको किस प्रकार से इग्नोर कर रहे हैं या किस प्रकार से हम उसको अपने ध्यान में नहीं आने दे रहे और साथ ही साथ जो हमारी अन्य जो उस समय हम किसी से बातचीत कर रहे हैं उसको हम किस प्रकार से केवल अपना ध्यान वहाँ पर केंद्रित करते हैं तो इस तरह से जो ब्रॉडबैंड का जो फिल्टर मॉडल है इससे हम ये कॉकटेल पार्टी फिनमिनन को आसानी से समझ पाते हैं या यूं कह लें कि इसका हम एक बेहतर समझ हमको मिलती है कि किस प्रकार से हमारा जो अटेंशन है या अटेंशनल प्रोसेस है वो कार्य करता है अब हम अपनी दूसरी थियोरी की तरफ आ जाते हैं जो कि अटेनुवेशन थियोरी है और इस थियोरी के लिए जो स्पेस बनी या यूँ कह लें कि जब ब्रॉडबैंड की ने अपनी थ्योरी प्रतिपादित की उसको प्रपोज़ किया तो उसके बाद उनकी आलोचना हुई और उनकी आलोचना हुई या उसके उसकी उनकी थियोरीज़ में कुछ कमी निकालने का जो दूसरे शोधार्थियों ने उसमें जो कमी पाई वो इस कुछ इस प्रकार प्रकार से थी जैसे हम उसी उदाहरण को फिर से समझ समझने के लिए लेते हैं कि अगर आप किसी ऐसी पार्टी में हैं जो जहां पर बहुत भीड़ है और जहां पर बहुत व्यस्तता है ऐसे में उस जगह पर हम ये पाते हैं कि अगर उसी समय पर हम जब अपने किसी दोस्त से बातचीत कर रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान हमारे दोस्त से बातचीत में हम अपना ध्यान लगाए हुए हैं ऐसे में यदि कोई बगल से या पीछे से हमारा नाम पुकारता है या हमारा नाम लेके बात करता है तो हमारा ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है यानी कि हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसे में जब हमारा ध्यान पूरी तरह से अपने दोस्त के साथ बातचीत में लगा हुआ था उसके बावजूद जब पीछे हमारा नाम लिया गया तो हमारा ध्यान वहाँ पर चला गया इसका अर्थ ये है कि जो अगल बगल जो चीज़ें हो रही हैं या जो हमारे सराउंडिंग में जो बाकी स्टमलस मौजूद हैं या इन्फॉर्मेशन मौजूद है हम उसे पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर रहे या फिल्टर आउट नहीं कर रहे इसका तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए वो सूचना भी किसी न किसी स्तर पर हमें मिल रही है वो पूरी तरह से फिल्टर आउट नहीं हो रही है तो फिल्टर थियोरी इस फिनोमिना को समझाने में इस ये कैसे हो रहा है इसको समझाने में वो असफल रहती है और एक और शोध उस जमाने में किया गया उस शोध को हम कहते हैं उस शोध का नाम है हेलो आंट जेन यानी कि इसमें जो किया गया इसमें दो ऐसे स्टूडेंट्स ने जो उस समय अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और उन पार्टिसिपेंट्स को उनको उन्होंने यह टास्क दिया कि आपको उनको दो तरह के उद्दीपक दिए गए एक में उनको कहा गया कि एक में उन्हें कहा गया कि आपको अपने केवल राइट ईयर की तरफ ध्यान देना है यानी शेडोड टास्क की जब हम बात कर रहे हैं जो हमने पीछे चर्चा की थी उसी तरह का उनको भी टास्क दिया गया और उसमें उन्हें कहा गया कि आपको एक जो कान से जो मैसेज जा रहा है केवल उस पर ध्यान देना है और दो अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर मैसेज सुनाए गए इसमें एक मैसेज था जो उनके मेन ईयर में उनको सुनाया जा रहा था जिसको उनको ध्यान देना था वो था हेलो सिक्स और जेन ये तीन शब्द उनको सुनाए जा रहे थे और दूसरी तरफ उनको एक और मैसेज था जो उनके अनअटेंडेड ईयर में उनको सुनाया जा रहा था यानी जिस पर उनको ध्यान नहीं देना था और वहां पर यह शब्द था सेवन आंट नाइन तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों का ही कोई अर्थ नहीं है उस प्रकार से लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या सुना तो उसमें बहुत सारे प्रतिभागियों ने उनका जो उत्तर था वो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है वो था हेलो आंट जेन इसका अर्थ उन्होंने ये लगाया आपने इस शोध के बाद कि हालांकि बहुत सारे प्रतिभागियों को ये मना किया गया था कि आपको इस मैसेज को आपको ध्यान नहीं देना है उसके बावजूद उन्होंने इस मैसेज में से ये जो शब्द है बीच का शब्द ये यहाँ से लेते हुए इसको यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया और इस तरह से उन्होंने इस पूरे फ्रेज का एक मतलब अपने लिए बनाया तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये टेंडेंसी थी कि एक ऐसा मैसेज जो खुद में अधूरा था या यूं कह लें कि उसका कोई अर्थ नहीं था उसका उन्होंने एक अर्थपूर्ण मतलब अपने लिए बनाया और उस मैसेज को भी उन्होंने रिसीव किया जो मैसेज उन्हें रिसीव करने से मना किया गया था तो इस तरह के कुछ क्रिटिकल जो एक्सपेरिमेंट हुए वो ब्रॉडबैंड की फिल्टर थियरी से उनको स्पष्ट करना या समझाना संभव नहीं था इसके बाद इसके बाद एक और आ, जो थियोरी जिसकी हम बात कर रहे हैं जो एन ट्रीजमैन ने एनी ट्रीजमैन ने उस वक्त दी जिसको उन्होंने फिल्टर एटेन्यूएशन मॉडल कहा या इसको कह लें हम केवल एटेन्यूएशन थियरी तो एटेन्यूएशन थियोरी में जो आ, इनका जो काम था टीजमैन का उसमें उन्होंने जो प्रपोज किया मैं आपके लिए यहाँ पर उसको ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हमारे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और वो मैसेजेस हमारे सेंसरी रजिस्टर में जैसा कि ठीक उन्होंने बताया था ब्रॉडबैंड ने वो उसी तरह से हमारे पास रजिस्टर होते हैं और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने फिल्टर की जगह एनी ट्रीजमैन ने यहाँ पर एक और दूसरे मैकेनिज़म की बात की एक और स्ट्रक्चर की बात की और वो है एटेनुएटर का और उसके बाद ये एटेन्यूएटर पहुँच जाता है अब यहां पर आप देखिए जब मैसेज आया उसके बाद जो सेंसरी रजिस्टर में जब वो रजिस्टर होता है तो मैसेज जब सेंसरी रजिस्टर से पास होता है उसके बाद वो एटेन्यूएटर में जा रहा है और यहां पर जो सिग्नल है वो पूरी तरह से आप देखेंगे कि उसको ब्लॉक नहीं किया गया है जैसा फिल्टर में हो रहा था यहां पर कुछ सिग्नल जिसे हमें अटेंड करना है वो तो उसी इंटेंसिटी के साथ उसको आगे पास ऑन किया जा रहा है यानी उसको उसी गति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है मगर जो बाकी अनअटेंडेड मैसेजेस हैं उनको वहाँ पर वीक कर दिया जाता है यानी इसको आप देखेंगे ये जो सिग्नल्स यहाँ पर दर्शाते हैं कि इनको वीक कर दिया गया है यानी कि ये बहुत बहुत हल्की इंटेंसिटी में आगे जा रहे हैं परंतु ये जैसा फ़िल्टर थ्योरी में बताया गया कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं ये मैसेजेस यहाँ पर ये बताया गया कि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहे हैं और ये आगे जा रहे हैं हल हल भले ही ये कम इंटेंसिटी में पहुँचते हैं लेकिन आगे जा कर के ये हमारे वीक सिग्नल हमारी डिक्शनरी में पहुँचते हैं हमारे पास एक मेमोरी है जिसमें हमारी डिक्शनरी मौजूद है और वहाँ पर हम उन शब्दों को उनके अर्थ को देखते हैं और जब उसके बाद वो हमें प्रतीत होते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं तब हम उनको आगे आ, सेंसरी अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में, में भेजते हैं ताकि उनकी फर्दर प्रोसेसिंग हो सके अब ऐसे में यहाँ पर जो एक रोचक जो एक जानकारी इन्होंने दी वहाँ पर इन्होंने डिक्शनरी इनपुट की बात की और हम यहाँ पर डिक्शनरी इनपुट में एक और बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें यह समझने का प्रयास किया गया कि क्या वाकई इस प्रकार का कोई मैकेनिज़्म है तो इसमें उन्होंने जो बताया था ट्रीजमैन ने उसके अनुसार हमें एक और यहाँ पर आ, मिलता है देखने को आ, और वो ये शोध है जिसको मैं आपके सामने यहाँ चर्चा करता हूँ उसकी एक शोध ऐसा किया गया जिसमें व्यक्ति का केवल नाम लिया गया और एक ऐसा शोध था जिसमें उसी शोध में जिसमें यहाँ पर व्यक्ति का नाम लिया गया उसका खुद का नाम और यहाँ पर एक मुश्किल मुश्किल सा शब्द सपोज यहाँ पर हम रख लेते हैं रिफ्रैक्शन जिससे हमें आमतौर पर पाला नहीं पड़ता और यहां पर एक और शब्द हम रख लेते हैं तीसरे नंबर पर और इसको हम यहां लिख देते हैं बोट तो आप ये देखते हैं कि और यह है उस स्टुम्बलस की स्ट्रेंथ यानी कि उसकी क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्टुम्बलस की और यहां पर स्टुम्बलस है एक बार हमारा नाम एक बार एक ऐसा शब्द जो थोड़ा कठिन शब्द है कम इस्तेमाल होता है हम उसको कम लाते हैं अपनी बातचीत में और एक ऐसा शब्द जो हम बातचीत में लाते तो हैं हम उसको और वो हमारे लिए उसको समझना आसान भी है परंतु फिर भी वो हमारे नाम जितना हमारे लिए ज़रूरी या कह लीजिए कि हमारे लिए उतना ज़्यादा वो इमिडिएटली बार बार हमारे सामने या यूज़ में नहीं आता जितना हमारा नाम आता है तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि हमारे नाम को रजिस्टर होने के लिए यानी एटेनुएटर से आगे जाने के बाद डिक्शनरी वर्ड में अगर वो केवल हल्की इंटेंसिटी में भी पहुंच रहा है या यहाँ आप देख सकते हैं ये स्ट्रेंथ को दर्शाता है तो कम स्ट्रेंथ पे भी हमारा नाम आगे जा कर के रजिस्टर हो पाता है या आगे जा कर के वो डिटेक्ट हो पाता है और हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रोसेसिंग हो पाती है लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शब्द आप देखिए जो रिफ्रैक्शन है जो हमारे लिए कम इस्तेमाल होता है उसको हम उस तीव्रता के साथ उसका यू कह लीजिए कि हम उसको प्रोसेसिंग नहीं करते क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर्ड है स्टूमलस की वो काफ़ी ज़्यादा है ऐसे में अगर ये वीकेंड स्थिति में यानी कमज़ोर होकर के एटेनुवेटेड फॉर्म में अगर ये आगे पहुँचेगा तो हम इसकी प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे और उसी जगह पर जो ये तीसरा शब्द है बोट ये अगर इसकी थोड़ी इंटेंसिटी कम होगी तो भी शायद हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सबसे ज्यादा संभावना होगी हमें अपना नाम प्रोसेस करने की फिर एक ऐसा शब्द जो हमारे कई बार इस्तेमाल में आता है और आसान भी है और एक ऐसा शब्द जो मुश्किल भी है और साथ ही साथ हमारे रोज रोजमर्रा के जीवन में हम उसका इस्तेमाल कम ही करते हैं तो इस प्रकार से जो डिक्शनरी इनपुट की इनकी जो जो इनका फिनोमिन था या जो इन्होंने एक्सप्लेन किया उसका भी यहाँ पर हम प्रयास करते हैं समझने का आप ये ना समझें कि फ़िल्टर या एटेनवेशन का जो ये प्रोसेस है इसके लिए ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर जिम्मेदार है या कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया है जहाँ पर ये कार्य हो रहा है बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंटीग्रेटेड रूप से अटेंशन के ही उस पूरे प्रोसेस के बीच की होने वाली एक प्रक्रिया है जो हमारे ब्रेन के द्वारा एक समग्र रूप से किया जाने वाला एक एफर्ट है या एक प्रोसेस है तो ये आप इसको एक प्रोसेस की तरह समझें एक मैकेनिज्म की तरह समझें जिससे हमारा ब्रेन ये निर्धारित करता है कि कौन सी सूचनाओं को हमें आ, हमें आ, अपने लिए प्रोसेसिंग में रखना है और कौन सी प्रोसेसिंग और किस तरीके से करना है तो ये प्रोसेसेस केवल उसको उस तरीके को हमारे ब्रेन के उस मैकेनिज़्म को दर्शाते हैं इसके बाद एक और मैकेनिज्म की बात की ड्यूश एंड ड्यूश ने जिसको लेट सिलेक्शन मॉडल भी कहा गया उसमें ड्यूश एंड ड्यूश ने ठीक उसी तरह से बात की जिसमें एनी ट्रीजमैन और ब्रॉडमैन ने बात की थी बस इसमें जो सबसे बड़ा अंतर था वो ये था कि ड्यूश एंड ड्यूश ने इसको कहा कि ये सेंसरी रजिस्टर में आने के बाद ये सूचनाएँ यहाँ से आगे जाती हैं और किसी प्रकार का कोई भी इसमें बीच में फिल्टर या एटेनशन नहीं होता और ये सूचनाएं यहाँ से जाने के बाद हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी तक रजिस्टर होती हैं और उसके बाद ये सूचनाएँ इस लेवल पर यहाँ पर इनका सिलेक्शन होता है और यहाँ पर ये एक मैकेनिज्म है जो तय करता है उन्होंने ये ज़रूर माना कि हमारे जो सूचनाएँ हमारे पास आ रही हैं किसी न किसी स्तर पर हम उनका सिलेक्शन करते हैं परंतु वो सिलेक्शन जैसा कि ब्रॉडबैंड और एनीटीजमेंट ने कहा कि उसको हम काफ़ी पहले करते हैं यानी इसी वजह से उन दोनों मॉडल्स को हम अर्ली सिलेक्शन मॉडल भी कहते हैं जिसमें जो चयन करने की जो प्रक्रिया है वो काफी पहले हो जाती है तो ऐसे में उस मॉडल के बजाय लेट सिलेक्शन मॉडल यहां पर आप देखिए इसको इसीलिए लेट सिलेक्शन मॉडल भी कहते हैं और यहां पर जो सूचना आ रही है उसका जो सिलेक्शन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में काफी जो पैरेलल एक प्रोसेस की तरह आप इसको देख सकते हैं काफ़ी लेट उस सूचना का सिलेक्शन हो रहा है और उसके बाद वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जा रही है वो सूचना और उसके अनुसार फिर हम अपना जो रिस्पांस है या जो भी उसका हमें इंटरप्रिटेशन करना है वो उसके आधार पर हम करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर ड्यूश एंड ड्यूश ने भी एक और थियोरी यहाँ पर प्रतिपादित की और इसके अनुसार हमारे जो तीनों मॉडल्स हैं जिसकी हमने चर्चा की इन तीनों मॉडल्स को बॉटल नेक थियरीज़ भी कहा जाता है जिसका अर्थ ये होता है कि हमारे जो अटेंशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है यानी बॉटल नेक की स्थिति है और ऐसे में वो जब आगे वहाँ से गुजरना होता है तो उन्हें आपस में कंपटीशन करना पड़ता है और जो सूचना महत्वपूर्ण है वही आगे जाती है तो इस तरह से ये लेट सिलेक्शन मॉडल्स जो हैं और अर्ली सिलेक्शन मॉडल इन दोनों को ही बॉटल नेक थियरीज़ के रूप में जाना जाता है इन तीनों को ही तो इसके बाद हम आ, इसके बाद हम बात करते हैं जब हमने बॉटल नैक थियरीज की बात की इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण मॉडल है जिसको डैनियल कानमैन ने प्रपोज़ किया था 1973 में और ये जो मॉडल है इसको हम कहते हैं कैपेसिटी मॉडल और इसको हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझने का प्रयास करेंगे जो कि कानमैन ने उस समय प्रपोज़ किया था और ये आप मानिए कि ये उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है जिसको उन्होंने जब प्रतिपादित किया तो इसको बहुत ही हाथों हाथ लिया गया और इसने हमारे बहुत सारी जो सूचना की जो प्रोसेसिंग का जो तरीका है उसके बारे में एक नई समझ को विकसित किया और ये मॉडल मैं आपके लिए यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ इस मॉडल में सर्वप्रथम कानमैन ने कहा कि इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसमें उन्होंने सबसे पहले बात की पॉसिबल एक्टिविटीज़ की और जब पॉसिबल एक्टिविटीज़ की वो बात करते हैं तो कानमैन ये कहते हैं कि हमारे पास ये संभावना है कि हम कई तरह के कार्य यानी कई तरह के ऑब्जेक्ट्स पे या कई तरह के इवेंट्स पे या कई तरह के हम फंक्शंस को पूरा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अटेंशन है उन सभी को करने के लिए जो कैपेसिटी है वो मौजूद है परंतु वो जितने भी कार्य हैं उसमें से हम सभी कार्यों को एक साथ नहीं कर सकते या यूं कह लें कि हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जितने भी हमारे पास पॉसिबल एक्टिविटीज़ हैं उसमें से एक्चुअली हम किस एक्टिविटी को करेंगे ये एक मैकेनिज़्म से तय होता है और उस मैकेनिज़म को उन्होंने किस तरह से दर्शाया कि इसके बाद उन्होंने यहाँ पर बात की अब यहाँ पर उन्होंने बात की एक्सपेक्टेड कैपेसिटी डिमांड की यानी कि ये जितनी भी पॉसिबल एक्टिविटीज़ हैं इनको पूरा करने के लिए कितनी कैपेसिटी की हमें डिमांड है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तो ये यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है वो इसको एनालाइज़ करता है इसका मूल्यांकन करता है और उसके बाद ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है ये हमारा यहाँ पर एक एलोकेशन पॉलिसी की तरह हमारे पास एक सिस्टम है जो ये तय करता है कि हम किस कार्य की तरफ अपनी जो कैपेसिटी है उसको एलोकेट करेंगे यानी हम उसको किस पर खर्च करेंगे ये हमारी एलोकेशन पॉलिसी से डिसाइड होता है और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो डिमांड के प्रति और कि हम क्या समझते हैं कि हमारे पास कितनी डिमांड अभी है कितना हमें कार्य करना है उसके अनुसार एक यहाँ पर और मैकेनिज़म की उन्होंने बात की कि हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारे अराउज़ल से निर्धारित होती है यानी कि जो हमारा उस समय जो मानसिक अराउजल है जो मेंटल अराउजल है जो हमारी उत्तेजना है जो हमारे मस्तिष्क की उससे हमारी कितनी कैपेसिटी हमारे पास इस वक्त मौजूद है ये उससे निर्धारित होती है इसीलिए यहाँ पर अराउजल से ये तय होता है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है ये देखिए यहाँ अराउजल से ये निर्धारित हुआ कि कितनी कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है अब अराउजल को निर्धारित करने वाले कुछ कारक हैं यहां पर जिसको कानमैन ने मिसलेनियस डिटरमिनेंट्स की संज्ञा दी यानी कि ये कुछ ऐसे निर्धारक हैं जो पूरी पूरी तरह से या पूर्णतया उनका कोई स्वरूप या कोई फिक्स फिक्स नहीं है कि वो कौन कौन से निर्धारक होंगे परंतु वो तमाम तरह के निर्धारक हो सकते हैं जो हमारे अराउजल के लेवल को यानी उत्तेजना के लेवल को हमारे मस्तिष्क का जो अराउजल लेवल है उसको प्रभावित करते हैं और उसी के अनुसार हमारा जो कैपेसिटी अवेलेबल है वो उसी से उसका तय होता है और इसके साथ ही साथ उन्होंने यहां पर बात की मिसलेनियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ अराउजल की वो बात करते हैं और इससे उनका ये तात्पर्य है कि अराउज़ल के बाद हमारा हमारे अराउज़ल से कौन कौन से उसकी वजह से हमारे जो कार्य होते हैं या उसके और कौन कौन से अन्य प्रभाव होते हैं उसकी भी वो अपने इस मॉडल में चर्चा करते हैं और जो अवेलेबल कैपेसिटी हमारे पास है उसी के अनुसार हमारी एलोकेशन पॉलिसी ये निर्धारित करती है कि हम कौन सी पॉसिबल एक्टिविटीज़ में से किसका चयन करेंगे या किस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे किस तरफ अपना एफर्ट लगाएंगे और किस तरफ अपनी कैपेसिटी को केंद्रित करेंगे इसके साथ दो और मुख्य फैक्टर्स हैं जो हमारी एलोकेशन पॉलिसी को निर्धारित करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं और यहाँ पर वो हैं जिसको कानमैन ने कहा उसमें एक है एंड्योरिंग डिस्पोजिशंस यानी कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसमें से एक पर्सनैलिटी को भी आप मान सकते हैं और हमारे अन्य बहुत सारे ऐसे गुण जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं वो इसको तय करते हैं यानी एंडोरिंग डिस्पोजिशंस और साथ ही साथ उस मोमेंट में यानी उस समय में हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हमारी क्या इसको उन्होंने मोमेंट्री इंटेंशंस का यहाँ पर संज्ञा दी थी कहान मैन ने यानी उस समय में हमारी क्या इच्छा है या हमारी क्या उस परिस्थिति में हम क्या करना चाहते हैं तो इस पर उन्होंने बात की तो इस प्रकार से आप यहाँ देखिए जब पॉसिबल एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर सर्च करते हैं कि क्या क्या विकल्प हैं हमारे पास या कहाँ कहाँ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है या फोकस करने का ऑप्शन है तो उसके बाद हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि उसके लिए कितनी कैपेसिटी की हमारे पास डिमांड है और उस डिमांड के तहत हम अपनी एलोकेशन पॉलिसी को सर्च करते हैं या उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसी के साथ साथ हमारा अराउजल लेवल भी उसी से निर्धारित होता है और अराउजल लेवल हमारा तमाम तरह के निर्धारक हैं जिनसे वो गवर्न होता है या उनसे वो निर्धारित होता है और उसी के अनुसार हमारी जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो हमें पता चलती है और अवेलेबल कैपेसिटी के अनुसार ही आप ये देखिए यहाँ पर हम अपनी एलोकेशन पॉलिसी से कि हमें कितना किस रि कितना रिसोर्स कितना कैपेसिटी कितना एफर्ट किस एक्टिविटी में लगाना है ये हम वहाँ से तय करते हैं और इसको दो और फैक्टर्स हैं एक एंड्यूरिंग डिस्पोजिशंस और एक मोमेंट्री इंटेंशंस ये भी हमारे एलोकेशन uh, पॉलिसी को प्रभावित करते हैं और इसके बाद ये पॉलिसी फिर से हमारे पॉसिबल एक्टिविटीज़ की तरफ आती है और इससे हम ये निर्धारित कर पाते हैं लास्ट में कि हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या होगा और ये यहाँ पर आके हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारी कैपेसिटी के अनुसार और हमारे पास जितने विकल्प मौजूद थे और उन विकल्पों को उनका उनकी तुलना करने के बाद अपनी कैपेसिटी से उनका मिलान करने के बाद हम ये तय करते हैं कि उन पॉसिबल एक्टिविटीज़ में से कौन से हमारे एक्टिविटी को हम ध्यान देंगे या किसको हम आ, करेंगे उसके बाद हमारा रिस्पांस जनरेट होता है तो इस प्रकार से कानमैन ने अपना कैपेसिटी मॉडल प्रतिपादित किया और इसके बाद यहाँ पर जो समझने की बात हमारे लिए है वो ये है कि जब कानमैन ने अपना कैपेसिटी मॉडल प्रतिपादित किया तो उसमें उन्होंने कैपेसिटी की बात की यानी लिमिटेड कैपेसिटी की यानी हमारे जो अटेंशनल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और इसी वजह से हम एक ही समय में अगर यहाँ पर आप याद करें तो डिवाइडेड अटेंशन की जो शुरू में हमने बात की थी उसको भी एक्सप्लेन करने में कैपेसिटी मॉडल काफ़ी हद तक सक्षम है तो इस प्रकार से हमने आज थियरीज़ ऑफ अटेंशन की भी बात की और आज हमने अवधान की मूलभूत प्रक्रिया और उसके प्रकार और उसके कार्य और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में भी बात की तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के इस सत्र से काफ़ी लाभ हुआ होगा और अवधान की जो प्रक्रिया है जो अटेंशन का प्रोसेस है उसकी एक बेहतर समझ आपको मिली होगी तो इसी के साथ हम लोग आज का अपना ये सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने अगले सत्र में हम लोग लर्निंग यानी अधिगम से संबंधित जो चर्चा है उसको जारी रखेंगे और आज के लिए आप सभी को धन्यवाद